गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। पार्ट एक हम लोगों ने पढ़ा भाषा, पार्ट दो पढ़ा बेटा वर्ण विचार। अब हम कुछ बातें पुनः आपसे करेंगे भाषा के बारे में, जिसमें आप हमसे दोबारा प्रश्न पूछेंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको शायद मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बराबर इसकी प्रैक्टिस याद करके कर रहे होंगे। जब हम मिलेंगे तो आप हमें सारे आंसर अच्छे से देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा जिसके द्वारा हम लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात, अपने मन की बात, वो जरूरत होती है हम लोग बोलते हैं ना किसी से, तो दूसरों के सामने प्रकट करता है। आप लोग जैसे हमसे कभी कोई बात पूछते हैं और हमारी बात सुनते हैं और या विचारों को समझता है, या तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये आप पहले समझते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है। आदान प्रदान का मतलब होता है बेटा कि एक दूसरे को बताना या बात करना। जब हम लोग कोई तुम क्वेश्चन करते हो, उसका आंसर देते हैं, तुम पूछते हो तो हम उसको समझाते हैं ना, तो वही होता है, अपनी बात दूसरों तक करना आदान प्रदान कहलाता है। मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहली मौखिक, दूसरी लिखित। मौखिक है बोलना सुनना, जब हम कोई पेपर या किताब जो भी बोलते हैं या टेलीफोन पर बात करते हैं तो क्या है हमारी मौखिक भाषा, अपनी बात को हम कहते हैं, गाना गाना, ये सब हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। बोलकर सुनकर ये हमारी मौखिक भाषा है। कभी आपने देखा है कि कभी पिक्चर में या टीवी में कोई नेताजी भाषण देते रहते हैं, तो क्या है हमारी मौखिक भाषा है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लोग पढ़कर लिखते हैं, और पत्र लिखना या किसी चीज को देखकर लिखना, ये हमारी लिखित भाषा कहलाती है। तथा हम संकेतों के द्वारा भी भाव व्यक्त करते हैं। बेटा इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो इशारों से बात करते हैं, अपनी बात को वो कहते हैं, इशारों से वो अपनी बात को बताते हैं, अपना भाव, अपने मन की बातों को वो इशारों के द्वारा बताते हैं। जैसे जब हम लोग सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वो तो बोलते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा, इतनी पब्लिक में, इतनी भीड़ में, वो सबको तो हर बात नहीं बताएंगे, वो क्या करते हैं इशारों से कि कैसे राइट लेफ्ट कैसे जाना है किसको, वो इशारों से लाइट के अकॉर्डिंग जो जलती है उससे बताते हैं कि इधर से कौन सा रास्ता इस समय ओपन हो रहा है। और जब भी हम लोग इशारे से बात करते हैं ना, पुस्तकालय जहाँ बहुत शोर नहीं होता, जहाँ पर लाइव जैसे मंदिर में, तो कुछ भी बात करनी होती तो हम लोग इशारों से बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा, जिसको किसी बच्चे ने पूछा था बेटा कि सांकेतिक भाषा क्या है, तो ये क्या है, जो हम इशारों से भाव व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राज्यभाषा है और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हिंदी राजभाषा हमारी कब बनी थी,
14 सितंबर को बताया था ना हमने, 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसको हम लोग विदेशी भाषा भी बोलते हैं। भाषा के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जब पहले के जमाने में हम लोग को लेखन कार नहीं आता था, तो चिन्हों के द्वारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी खुदाई में जो चिन्ह चीजें मिली, उस पर कुछ अंक प्राप्त हुए जो लिखे हुए उसे निर्धारित ब्राह्मी लिपि के द्वारा, उसमें ब्राह्मी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके द्वारा हमें लेखन कला की जानकारी प्राप्त हुई। हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अभी आपने जाना हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब ये लिपि जो निर्धारित चिन्ह है, इनको निर्धारित चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। भाषा के निर्धारित चिन्ह को इससे पहले बताया, इनकी कौन सी लिपि है? हिंदी में देवनागरी और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हमें जानना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम हम व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण को हमने आपको बताया था व्याकरण के बारे में पहले भी, कि व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप सही बोलने को और सही रूप से लिखने को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। फिर आज हम आपको कुछ अभ्यास कार्य पाठ एक से कराएंगे, जो आपको समझना तथा याद करना है। आपको हमने पढ़ाया था व्याकरण से और लिपि, तो आज हम बेटा आपको फिर से बताएंगे लिपि के बारे में, जो हमें अच्छे से समझकर याद करना है, कि जब हम मिले तो आप हमको तुरंत आंसर बताइए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने अच्छे से समझा और याद किया। भाषा की लिपियों के नाम। भाषा है हमारी हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। संस्कृत हमारी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी हमारी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुजराती हमारी भाषा है, इसकी लिपि है देवनागरी। नेपाली हमारी भाषा है, इसकी लिपि है देवनागरी। अब है हमारी पंजाबी भाषा, जिसकी लिपि है गुरुमुखी। और नेक्स्ट है हमारी अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन। फिर हमारी उर्दू भाषा, लिपि है फारसी। बांग्ला की क्या लिपि है? बंगाली। देखिए ध्यान से फिर से, हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी लिपि या गुजराती और नेपाली, इन सब की लिपियां क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि, उर्दू भाषा की फारसी लिपि, बांग्ला की बंगाली। अब बेटा आपका आज का होमवर्क है, पढ़ाए गए पाठ को पुनः समझकर याद करो। पढ़ाए गए पाठ को पुनः फिर से समझकर याद